हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं एक प्रोफेशनल थंबनेल अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए। तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इंट्रो लगा देते हैं। तो फिर सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरी जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको उसके नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर देना है और उसको ब्लैक कर देना है। और उसके बाद आपको एक घंटा दिखेगा, उसको दबा के आपको ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो फिर ये पिक्सल लैब है और इसी के साथ आप अगर अपनी फेस से 7 पिक्सार्ट से बना सकते हैं। अगर आपको अपना फेस भी डालना है अपने थंबनेल पे तो फिर मैं उसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। और यार मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट है मुझे आपसे कि आप बस मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए और 1K व्यू कर दीजिए, फिर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँगा। तो फिर यार ये पिक्सल लैब, ये जो हमारा पिक्सल लैब है, हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं और जो पिक्सल लैब को ऑन करते हैं। तो फिर अब पिक्सल लैब को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इसके बाद करना है ये है कि यहाँ पे आपको 3 डॉट्स क्लिक करना है जो है इधर, आप लोग को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो फिर इधर है, तो फिर अब आपको फिर क्या करना है, आपको इधर ये वाला एक ऑप्शन होगा, ये वाला इमेज साइज का, तो फिर आपको इसको भी टैप करना और इधर आपको कस्टम्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल का यहाँ पे दिख रहा होगा यूट्यूब थंबनेल नाम का। तो फिर इसको आपको क्या करना है, इस पे इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इधर आपको जैसे आप कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लेना, हम लोग वाइट चूज़ करते रुकिए। अगर आपने पहले बैकग्राउंड नहीं चूज़ किया तो फिर आपको मैं अभी बता दूं आपके थंबनेल का साइज़ चला जाएगा, तो फिर हम लोग वापस डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा वाइट है एकदम। फिर यहाँ पे अब आपको करना ये है कि इधर आपको आपको पैसा बनाना है, आप पैसा नहीं मैं इधर टैक्स करूँगा क्योंकि इधर हमारे कॉन्टेंट्स में मैं चले जाता हूँ। इधर ये वाले जो बटन छपते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यू टेक्स्ट का, इससे आपको होता है। तो फिर इधर हम लोग पहले इधर हमें जो लिखना है हम वो लिखना है। तो इधर मैंने अपने क्लिप बोर्ड में रख रखा है, तो फिर इधर मैं हाँ लिखता हूँ। फिर नया वाला एक आया क्योंकि मैंने इस पर 2 बार टैप किया था, तो फिर नया वाला आया 2 मे का लिख देता हूँ। तो फिर इधर पहले तो 2 मे का ही आया है, फिर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट करूँगा। तो फिर मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा, तो फिर वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी। तो फिर यार फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना, वरना आप बोलते हैं कि यार ये वीडियो में क्या है कुछ समझ नहीं आया, तो यार फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना। फिर इधर हम लोग पहले सारे टेक्स्ट निकाल लेते हैं। तो फिर इधर हमने सारे टेक्स्ट ले आए हैं, तो फिर आपको सारे टेक्स्ट को एक ही साइज पर रखना है। तो फिर इधर हम लोग साइज पे क्लिक करेंगे, साइज को थोड़ा सा हम लोग एकदम सही से देख लेते, इतना बड़ा हमारे सही है 40 हम लोग कर देते हैं ना, तो 40 हमने इसको कर दिया है और इसको भी हम लोग साइज में 40 कर देते हैं। फिर इधर ये भी 40 हो चुका है और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसको हम लोग ये 50 है, हम लोगों को इसको कर देना है 40। ये है, इसको भी हमें 40 ही कर देना है, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो फिर इधर हम इसको सही से रख देते हैं, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल थंबनेल। तो फिर इधर हम लोग इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। तो फिर अब आपको क्या करना है, इधर ऐप को जाना है, ई में एक ऑप्शन में है यहाँ पे
टू मेक आप में एकदम प्रोफेशनल हमें बनाना है, तो फिर इधर हम लोग टू मेक आप बैकग्राउंड, और इधर हम लोग बैकग्राउंड लगा देते हैं रेड कलर का, और इस पर भी हम लोग बैकग्राउंड लगाते हैं, और वो हम लोग लगा देते हैं रेड कलर का, तो फिर रेड कलर अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इन पे फॉन्ट कर लेते हैं, फॉन्ट मेरा फेवरेट चक 5 बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत सारे फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं लेकिन ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फॉन्ट। इसको मैं थोड़ा अलग करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ ये रहने, चक 5 अच्छा लग रहा है और ज़्यादा वो भी नहीं है बुरा। फिर इधर यहाँ पे हाउ टू मेक आप रो, यहाँ पे अब भाव को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस इसका फॉन्ट बना देता हूँ मैं भाव को, और थंबनेल का ही मैं बना देता हूँ। थंबनेल का हमने बना दिया है, तो फिर इधर हम लोग देख सकते हैं एकदम अच्छे से लग रहा है ये। फिर इधर अब आपको क्या करना है, इधर आपको इसका कलर बदल देते हैं हम लोग, तो कलर हम करेंगे येल्लो, और इसका कलर हम लोग कर देंगे, एक बार चूज़ करते हैं कि येल्लो आएगा, तो फिर इधर इसको येल्लो नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर अच्छा नहीं लगेगा एक साथ सारे एक जैसे कलर। इसका कलर हम लोग कर देते हैं वाला कलर, इस कलर का नाम है वॉयलेट। तो फिर अभी ये प्रोफेशनल वाले का हम लोग करते हैं ब्लू में, क्योंकि इसका भी हम लोग वॉयलेट कर देते हैं, पहले हम लोग इसका ब्लू कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग करेंगे वॉयलेट। तो ये किधर गया, ये रहा एकदम, देख सकते हैं आप लोग एक जैसा है सब कुछ। तो फिर इधर हमारा इतना तो बन गया, लेकिन अब हमें और क्या करना है, तो फिर अब हमें किसी भी, जैसे अभी आपको इसको 3D करना है, तो फिर आप इसको 3D टेक्स्ट में जाके इधर आप लोग 3D कर सकते हैं, देख सकते हैं एकदम 3D हो चुका है ये। इधर आप लोग 3D टेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर इधर हम लोग इसको एकदम एक्स एक्सिस को एकदम 0 पर रखेंगे, इसको 1 करेंगे, तो फिर इधर आप लोग देख सकते हैं इसको वाई एक्सिस है ये। तो ये वीडियो यार बहुत लंबी होने वाली है, तो फिर फुल वीडियो को वॉच करें 3D टेक्स्ट पे क्लिक करके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम 3D हो चुका है, और इसको भी हम लोग क्या 3D करें। फिर इधर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है 3D होकर, तो फिर हम लोग इसको नॉर्मल रहने देते हैं। तो फिर इसकी हम लोग एम्बल्स बना देते हैं ताकि ये थोड़ा 3D के साथ जचे, देख सकते हैं इधर हम लोग इसका एम्बल्स, इसका देख सकते हैं आप इधर एडवांस में आप देख सकते हैं इसका एम्बस की जो शाइन होती है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, एम्बस लाइट भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग इतना इसको रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इतना सही है जीरो, तो फिर अब आप देख सकते हैं एकदम मस्त एकदम सब कुछ लग रहा है, और इधर आपको इनर शेडो भी आप ओपन कर सकते हैं, तो इधर हम लोग इनर शेडो रेड कर रहे हैं, और इधर स्ट्रोक भी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रोक, यहाँ पे आप लोग स्ट्रोक बना सकते हैं दोनों की, तो इधर हम लोग स्ट्रोक बनाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रोक कैसी बनी है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको गैप्स बनाएंगे, तो फिर हम लोग यहाँ से इसको हटाते हैं क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं इसको एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ एकदम सब कुछ। तो यार प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक तो आप दे ही सकते हैं, आपका ना ही कुछ जा रहा है ना ही कुछ हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं जाएगा अगर आपने एक लाइक दे दिया इस वीडियो पे। बात पते की करी है ना यार, तो आप करते नहीं हैं यार, ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए भी, और आपको भी ऐसी वीडियो रोज़ नहीं मिलेंगी अगर आपने नहीं किया तो, या आपका ही फ़ायदा अगर आपने किया तो। तो यहाँ पे हम लोग इसकी यहाँ पे क्यूलिटी हल्की सी कम करेंगे, तो फिर इधर सब इनेबल कर देते हैं शैडो इफेक्ट। तो फिर इधर हमारा इतना तो बन गया है, लेकिन हमें क्या करना है, इधर मैं अपना फ़ोटो लगा देता हूँ, तो यार अगर फ़ोटो ब्लर होगा क्योंकि मैं अभी अपना फेस रिविजल नहीं करना चाहता, तो फिर फ़ोटो होगा ब्लर, तो फिर हम लोग जाते हैं बैक।
तो फिर यार मैं अपना पिक्सआर्ट ऑन करता हूँ। तो फिर इधर हमने अपनी फ़ोटो चूज़ कर ली है। तो फिर इधर जो हमारी ये फ़ोटो है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी फ़ोटो को इस फोटो पे हमें यहाँ पे आप थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कटआउट का, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आउटलाइंस पे क्लिक करना है, इधर आपको इतना रखना है इसको 40 पर। तो फिर इधर हम लोगों को ऐसे करना है, इसको ऐसे कट करके हम लोग अपना एक स्टिकर बनाएंगे। तो फिर इधर हम लोग अपना स्टिकर एक बना लेते हैं। तो फिर इधर हमारा इतना स्टिकर बन गया है। तो फिर जो यहाँ का नीचे का स्टिकर है उसको हम लोग रीस्टोर करेंगे। तो इधर हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नीचे को रेज कर देते हैं, यहाँ पर रिव्यू करके फिर इधर हम लोग अभी आते हैं बैग को डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको थोड़ा सा गलत है ये, तो अब हम लोग इधर सही से ऐसे बना देते हैं जल्दी जल्दी से। तो इधर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे एक रेटिंग कर रही है स्टिकर, तो फिर यह वीडियो हो सकती है 11 मिनट की। तो फिर इधर आप देख सकते हैं रिव्यू करके रीस्टोर हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ का, अब आप लोग देख सकते हैं एकदम सही से यहाँ पे ये आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करते हैं और यहाँ से रिव्यू करते हैं। तो फिर मेरे बाल थोड़े से टेढ़े से हैं, तो फिर सॉरी यार थोड़े से बस टेढ़े हैं, तो फिर मेरे थोड़े बाल टेढ़े हैं। तो फिर इधर हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सेव कर देते हैं। इधर सेव करने के बाद इधर हम लोग इसको वहीं पे रोटेट कर देंगे, जो हमारा पिक्सल लैब होता है इधर ही हम लोग इसको रोटेट कर देंगे। तो इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टिकर एक क्रिएटेड हो चुका है। तो फिर इधर हम लोग बैक आते हैं। तो फिर और इधर हम लोग जाते हैं अपने पिक्सल लैब पे, पिक्सल लैब पे हम लोग आ चुके हैं। तो फिर इधर हम लोग इसको ओके करते हैं जो हमारा पुराना डेटा था, ताकि वो ना जाए हमने जो भी बनाया था। तो फिर इधर वो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं जो बनाया था। फिर इधर हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास ग्लिच, या आजकल चल ही रहा है पूरे उसमें पिक्सल लैब में ग्लिच। तो फिर यार इस ग्लिच के अंदर आप ना फंसे और जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं डिलीट करें जल्दी, वरना आपका थंबनेल एकदम बेकार हो सकता है, एकदम अच्छे थंबनेल से एकदम बेकार थंबनेल पे जा सकता है। तो फिर हम लोग इस वाले को भी हटाते हैं, और ये वाला तो इधर है ही। तो फिर इधर हम लोग इसको हटाते हैं। तो फिर इनको थोड़ी देर लगी, तब तक मैं वीडियो को कर देता हूँ। तो फिर इधर मैंने सबको एकदम सेट करके रख दिया है। तो फिर इधर बस ये हाउ को मैंने सही से रख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल थंबनेल। तो फिर इधर हम लोगों ने इधर इसका हम लोग थोड़ा सा वो बना देते हैं 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट कहाँ पे है, आप लोग ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी। तो फिर इधर हमें इसकी ऑप्शनलिटी यहाँ पे एकदम फुल कर देनी है।
तो फिर आप लोग अब देखिए बंद करके डीप तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो फिर अब आप क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे बीच वाले यहाँ पे ऐसे बटन दिख रहा है, ये आपको बस इससे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आपको उस वाली फ़ोटो में जाना है जहाँ पर उसको आपने रखा था। तो फिर इधर मैंने अपने फ़ोटो में रखा था, तो फिर इधर हम लोगों ने अपने पिक्सआर्ट के कैमरा में उसको रखा था। तो फिर ये रहा हमारा पिक्सआर्ट कैमरा और इधर हम लोग इसको चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद अब हम इसको करेंगे रोटेट। तो फिर रुकिए, इधर इसका ये इंफॉर्मेशन बोलेगा कि आपको कैसा चाहिए। हम लोग इसको ऐसा तो फिर इधर ये थोड़ी गलत आ गई है, तो सॉरी फ्रेंड्स। फिर इधर इंपोर्ट हम लोग करेंगे। तो फिर यार थोड़ी सी गलती हो जाती है यार वीडियो में, यार आप बुरा मत मानिएगा इस बात का, यार थोड़ी गलती हो जाती है। तो फिर इधर आपको अपने पिक्सआर्ट पे जाना है। तो फिर वीडियो को करता हूँ पॉज और इधर मैं अभी लाता हूँ फ़ोटो। तो फिर इधर हमने फ़ोटो को सिलेक्ट भी कर लिया है। तो फिर इधर हम लोग राइट पे क्लिक करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ चुकी है, या ब्लर है मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर ब्लर नहीं है तो बताइए मैं कैसा दिखता हूँ। तो फिर इधर हम लोग इसको आप लोग देख सकते हैं एकदम मस्त, एकदम फ़ोटो एकदम देख सकते हैं, थंबनेल एकदम अच्छी वीडियो का थंबनेल लग रहा है। लोग बोलेंगे चलो सही है, बट अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है तो फिर मेरा कैमरा अच्छा नहीं है इसीलिए ज़्यादा अच्छा आया नहीं है थंबनेल। तो फिर अब आपको करना क्या, इधर आपको एक बटन दिख रहा होगा ऐसे वाला, आपको आधा दिख रहा होगा इसकी वजह से। तो इधर हम लोग आप लोग देख सकते हैं इधर ये वाला, अब आपको सही से दिख रहा होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है, सेव अस इमेज पे क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, बस अब आपको यही करना है और अब आपको कुछ भी नहीं करना। तो फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, बहुत लंबी वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और फॉल पे सेलेक्ट करना भी ना भूलें। और वीडियो को करें शेयर जिसको जो आपका दोस्त है यूट्यूबर और उसको अपने वीडियो पे लगाना है थंबनेल।